Hello students, so welcome to day 4 of our puzzle series. Today we'll discuss again a good problem. So today's problem is poison and rat. So and this problem is commonly known as bad king and wine bottle too. So bahut sare extension hai is problem ke, alag alag naam se aa jata hai, lekin concept har jagah same use ho raha hai. So starting with, there are 100 wine bottles. Shayad aapko pasand bhi aa jaye problem. There are 100 wine bottles. One of the bottles contain poison wine. A rat dies after one hour of drinking the poison wine. How many minimum rats are needed to figure out which bottle contain poison in an hour? तो आपके पास 1000 वाइन बॉटल है, एक में उसमें पॉइजन है, और जो रैट है वो एक पॉइजन, वो वाइन बॉटल, पॉइजन वाला बॉटल पीने के एक घंटे बाद ही डाई, तो इट डाई. तो हमें फिगर आउट करना है कितने मिनिमम नंबर ऑफ रैट्स लगेंगे. अब इसका आंसर 1000 नहीं होगा, 1000 रैट को हम सबको पिला देंगे तो हो ही जाएगा काम, लेकिन हमें मिनिमम कितने नंबर ऑफ रैट्स चाहिए. वापस हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था पॉइजन, आप उस जो प्रॉब्लम डिस्कस किया था उस लाइन में आप सोचो कि हमारे पास एक बड़ा नंबर है, अब हमें एक छोटा नंबर चाहिए जिससे हमें उस बड़े नंबर को ब्रेक कर सकूँ. एक रैट को मैं सारे वाइन पिला दूँ लेकिन मेरे पास ज़्यादा रैट लगे भी ना. तो ट्राई टू एनालाइज कि ये वाला प्रॉब्लम तुम उस तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हो. जस्ट पॉज द वीडियो एंड टेक 2 मिनट्स, विल डिस्कस द सॉल्यूशन आफ्टर दैट. थैंक यू. सो वी आर डिस्कसिंग द सॉल्यूशन नाउ. अब वापस यहाँ पे हमारा आ जाता है बाइनरी डिजिट कंसेप्ट. हमें पता है कि हम 1000 को कैन बी रिटन इन 10-डिजिट बाइनरी कोड. तो हमें पता है कि हमने 1000 को हम 10-डिजिट बाइनरी कोड में लिख लिया. लाइक फॉर बॉटल 8 जो कोड ये हो जाएगा. तो हर एक बॉटल का एक कोड होगा. फर्स्ट बॉटल का कोड क्या होगा? 000000 5 बार 6 7 8 9 1. बॉटल 8 का कोड क्या होगा? 000000100. आई गेस हाँ. बॉटल 16 का ऐसे ही 1000. ऐसे हर एक बॉटल का एक कोड होगा. अब हम क्या करते हैं, हम ये जो डिजिट है ये हर एक माउस को असाइन कर देते हैं. तो मैंने बोला माउस 1 से लेके माउस 10 तक ये है. ये माउस 1 है, ये माउस 2 है, माउस 3 है, माउस 10 है. यहाँ पे थोड़ा ट्रिक आता है कि हमने बोला कि ये 10 कोड मैं ब्रेक कर सकता हूँ. मेरे पास 10 माउस लिया तो इसका आंसर 10 माउस ही है. मैं पहले बता देता हूँ, 10 माउस लिया, उसको हर एक डिजिट मैंने असाइन कर दिया. ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो पहला माउस है ये कौन कौन से बॉटल से वाइन पिएगा, ये जिस बॉटल के इस प्लेस में जो लास्ट प्लेस है उसमें 1 आएगा उसमें वो माउस पिएगा. तो फॉर एग्जाम्पल कि मैं देखता हूँ माउस 1 को इससे पीना है, हाँ, इससे पीना है, नहीं, इससे पीना है, नहीं. और अगर मैं देखूंगा कि अगर मैं कोई और नंबर लेता हूँ, मान लो 5 लेता हूँ, तो 5 में क्या हो जाता है, 1 आखिरी में आता है, फिर यहाँ पे 0 आता है और यहाँ पे 1 आता है और फिर बाकी 000 आता है. तो 5 को पीना है, हाँ. तो मैंने सारे डिजिट के बाइनरी कोड लिख लिए और मैंने माउस 1 का देख लिया. ऐसे फिर माउस 2 देख रहा हूँ, माउस 2 इन सब में से कोई भी नहीं पिएगा. माउस 3 देखता हूँ, माउस 3 ये आखिरी वाला पिएगा. माउस 4 देखता हूँ, माउस 4 ये पिएगा. तो हमने हर एक माउस को वो बॉटल के पॉइजन पिला दिए जिसके प्लेस में 1 आता है. अब क्या हो रहा है, आखिरी में मैं देखता हूँ कि कौन सा माउस मर गया. जो माउस मर जाते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही माउस मरेगा, बहुत सारे माउस मर जाते हैं. तो मान लो मेरा माउस 1, 3, 5 और 8 मर जाता है, तो फिर मैं क्या लिखूँगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. मेरा 1 मरा, 0, ये 5 और 8. अब मैं बाकी सबको 0 कर दूंगा. तो ये जो बाइनरी है ये जिसको भी रिप्रेजेंट करेगा वो मेरा बॉटल होगा जिसमें पॉइजन होगा. गॉट इट? आप देखो कि मान लो माउस 1 मरता है, बाकी कोई माउस नहीं मरता है, तो इसका मतलब पहले बॉटल में ही है. बहुत सिंपल है कि बाकी कोई मरा ही नहीं, तो मतलब जिसके यहाँ पे कुछ भी एक नंबर है वो है ही नहीं, तो इसका मतलब जो बॉटल है वो पहले पॉइजन पे है. तो हमने ये जो 1000 बॉटल की प्रॉब्लम को कैसे सिंपल कर लिया, सिर्फ बाइनरी से, कि मैंने बोला कि उसको हर एक माउस को एक डिजिट असाइन कर देता हूँ, हर एक बॉटल को एक बाइनरी कोड असाइन कर देता हूँ, जिस डिजिट पे बाइनरी कोड के वैल्यू 1 होगी वो माउस वो बॉटल से वाइन पिएगा या पॉइजन पिएगा, और जिसमें कि 0 होगी उस बॉटल से नहीं पिएगा. आखिरी में हम देख लिया 10 माउस में जो लोग मरे, 10 माउस की कुर्बानी से हम ये पता लगा लेंगे कि 1000 में से 999 कौन से ऐसे वाइन की बॉटल है जिसको हम कंज्यूम कर सकते हैं, और एक उसको हटा देंगे 10 माउस की कुर्बानी से. सो दिस इज द प्रॉब्लम. ऑल्दो ये प्रॉब्लम दिखने में बहुत टफ लग रहा था, लेकिन वंस वी नो कि बाइनरी कंसेप्ट वी आर यूजिंग, तो हम ये प्रॉब्लम को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं.
So that's all for today. I hope you liked the video. So subscribe to our channel and be ready for our next video. Thank you.